मैं इसी सर आज का जो क्लास है अकबर का, याद रखिए मेरे लाडलो, पार्ट टू का सेशन चलेगा। पार्ट टू में जो हम बताए थे आपको, थोड़ा सा हिंट दे दिए थे कि पानीपत का दूसरा युद्ध, तो हम आते हैं अकबर की ओर। गौर फरमाते हैं कि अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया था बेटा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, गौर फरमाएंगे, 5 नवंबर 1556 को। एक तरफ था हेमू और दूसरे तरफ था अकबर। हेमू और दूसरे तरफ कौन था, अकबर। गौर फरमाएंगे कि 5 नवंबर 1556 को, याद रखिएगा, जब अकबर के जो सेनापति था युद्ध के मैदान का नेतृत्व कर रहा था, तो हेमू युद्ध में युद्ध करते करते धीरे धीरे युद्ध चलता है और युद्ध के दौरान क्या होता है, ये एक रूप ले लेता दर्दनाक, जिसके कारण से हेमू के आँख में तीर लग जाता है। किसके आँख में तीर लगता है, हेमू के आँख में तीर लग जाता है। तीर लगने की वजह से, याद रखिएगा मेरे लाडलो, कि हेमू घायल हो जाता है। तो इस युद्ध के जो सेनापति थे बैरम खान, याद रखिएगा, बैरम खान क्या करता है, मौका का तलाश करते हुए हेमू का सिर को काट देता है। किसका सिर काट देता है, हेमू का सिर को काट देता है। और अकबर क्या होता है, जीत जाता है इस युद्ध को। अकबर जब जीत जाता है तो याद रखिएगा, इसी प्रकार अकबर का जो शासन व्यवस्था को अपना ये स्थापित कर लेता है। कौन, अकबर स्थापित कर लेता है। अकबर इस युद्ध के जीत जाने के बाद, याद रखिएगा मेरे लाडलो, कि ये दिल्ली के जो गद्दी को पुनः स्थापित करता है मुगल वंश में, क्योंकि इससे पहले है ना, इसके हुमायूं का मृत्यु हो जाता है, आपको पता होगा सीढ़ी की गिरने के कारण से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकबर के शासन काल में अहम भूमिका निभाता है बैरम खान, क्योंकि जब अकबर राजा बनता है ना मेरे लाडलो, उस समय अकबर क्या है, कितना बताए थे, 14 वर्ष बताए थे। तो याद रखिएगा, अकबर किसी के संरक्षण में रहेगा ना जी, तो अकबर जो था यह संरक्षण में था 1556 से लेकर 1560 तक, बैरम खा के संरक्षण में रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बैरम खां जो था, याद रखिएगा मेरे लाडलो,
बेरम खा ये सिया मुस्लिम थे, सिया मुस्लिम थे, और बेरम खा वजीर के पद पर भी रहा था। और याद रखिएगा, बेरम खा को अकबर खान बाबा भी कहा करते थे। बेरम खां वजीर एक बहुत बड़ा पद होता है ना, कि साम्राज्य के बाद, सम्राट के बाद वजीर का पद बहुत अहम रहता है। और बेरम खां अकबर के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। कौन? बेरम खां। तो याद रखिए कि किस तरह के मुस्लिम थे, सिया मुस्लिम थे। दूसरा बात है कि अकबर के दरबार में जो सरदार रहते थे और वहाँ के जो हरम चलता था, अक्सर लोग क्या थे, सुन्नी मुस्लिम थे। अब एक तरफ सिया और एक तरफ क्या थे, सुन्नी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों में विवाद होगा, आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा, उलझन होगा, थोड़ा सा जलन तो आएगा ही ना, मनुष्य है। तो याद रखिएगा, जिसके कारण से क्या हो गया, अकबर का किला में ही क्या पड़ गया, फूट पड़ गया। और अकबर के किला में जब फूट पड़ गया तो थोड़ा सा क्या होने लगा, तनाव होने लगा, किसके किसके बीच में, सिया और सुन्नी के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए मेरे लाडलो, अकबर को राजभिषेक कहा हुआ था, किसका, अकबर का। पंजाब के कालानौर में हुआ था, पंजाब के कालानौर में हुआ था, किसका, अकबर का। अच्छा, अकबर शासन तो कर रहा था, परंतु सबसे अधिक हस्तक्षेप कौन करने लगा, बैरम खां। कौन? बैरम खां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अकबर के कुछ सरदारों एवं उसके, अब देखो षड्यंत्र कैसे होता है, किला में ध्यान देना पड़ेगा बाबू। वहां उसका सबसे दबदबा किसके चलने लगा, बेरम खां का। किसका बोले, बेरम खां का। याद रखिएगा, अकबर के कुछ सरदार एवं उसके, आपको पता होना चाहिए कि बेरम खां का जब ज्यादा शासन करने में भूमिका अहम निभाने लगा, तो लोगों के अंदर क्या आने लगा, जलन आने लगा। इंसान है, हो सकता है ये लक्षण। तो अकबर के कुछ सरदारों एवं अकबर के जो दाई माँ थी, अकबर के कौन माँ बोले, दाई माँ। दाई माँ पता है ना, जो पालन पोषण करता है बच्चा लोगों को, तो पालन पोषण लिख देता ब्रैकेट में, पालन पोषण किया था, किसका, किसका पालन पोषण किया था बेटा, अकबर का। उसने क्या किया, देखा कि ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, ज्यादा हरम में अपना प्रभाव बना रहा, कौन, बेरम खां। तब क्या इसने दिमाग लगाया कि दाई माँ जो था, जिसका नाम था महामंगा, इसने एक कूटनीति किया कि ये सिया और सुन्नी कह के लड़ा दिया आपस में, सिया और सुन्नी। धीरे धीरे इसने क्या किया, भड़काना शुरू कर दिया, धीरे धीरे या भड़काना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। यहां तक क्लियर हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अकबर को ऐसा ही महान नहीं कहलाया है, याद रखिएगा, अकबर अकबर है मुगल में। 1560 में याद रखिएगा, अकबर का जो आयु था 18 साल होने लगा। 1560 अकबर की आयु,
18 वर्ष। 1560 में अकबर की आयु कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया, क्योंकि 14 वर्ष में ही राजाभिषेक किया था ना बेटा। तो याद रखिएगा, अकबर को भी ऐसा महसूस होने लगा। क्या बोले? देखिए, आदमी बढ़ता है ना, उसके दिमाग भी बढ़ता है, इस चीज तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो अकबर को जब 18 साल हो गया तो उसको भी ऐसा महसूस होने लगा कि बैरम खां उसके काम में अधिक क्या कर रहे, हस्तक्षेप कर दे रहा। और उसने सोचा, अब तो हम 18 साल हो गए, अब हम शासन करने के योग्य हो गए। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, अकबर को भी ऐसा महसूस होने लगा कि अब वह शासन चलाने का योग्य हो गया है। और अकबर को यह भी लगने लगा कि बैरम खां जो है ना, अधिक उसके कामों में क्या करने लगा, हस्तक्षेप। ये भी लगने लगा कि बैरम खां उसके कामों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब क्योंकि वहां महामंगा अपना काम कर रहा, भड़का दे रहा, क्योंकि सरदार में देखो बैरम का सिया था, बाकी लोग क्या था, सुन्नी था, दबदबा वर्चस्व किसका था, सिया का था। और यार के हरम में जो था ना, वहां भी वर्चस्व अपना बना के रखा था, कौन, बैरम खां, जिसके कारण धीरे धीरे सिया सुन्नी करके भड़काना शुरू कर दिया। अकबर को धीरे धीरे दिमाग में बात घोलने लगा, कौन, महामंगा। बैरम खां का वर्चस्व देखकर अकबर का अंदर में एक अलग भय घुस गया। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, अकबर ने बैरम खां को 3 विकल्प दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरम खां को अकबर ने कितने विकल्प दिया था। तो याद रखिएगा, 3 विकल्प। पहला विकल्प बोला है कि आप किसी राज्य के सूबेदार बन जाइए। दूसरा बोला कि आप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बन जाइए, मतलब सुरक्षा सलाहकार बन जाएं। और तीसरा बोला कि आप हज के लिए मक्का चले जाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बैरम खां ने 3 विकल्प में किसको चुना था, हज के लिए। जब बैरम खां हज के लिए निकल गए, यात्रा करने के लिए, हज करने के लिए मक्का चले गए, रास्ते में जाते जाते एक पाटन नाम मिलता है, गुजरात में है पाटन, ये स्थित कहां है, गुजरात। ये तो बहुत आक्रमण किया था, युद्ध किया था, कौन, बैरम खां, तो दुश्मन सब भी तो मिलेगा जरूर। तो याद रखिए मेरे लाडलो, जब पाटन के रास्ता गुजरात से होकर जब गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने बैरम खां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया।
याद रखिए कि मेरे लाडले कौन सा रास्ता चुना था, हज का रास्ता चुना था, कौन बैरम का। और जाते जाते जब पाटन के रास्ता जब गुजर रहा था तभी कुछ लोगों ने बैरम का पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण क्यों करा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे युद्ध किया था तो दुश्मन सब तो होगा ना, इंतजार करता होगा कि कभी तो मौका मिलेगा, है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रास्ता में जब 1560 पाटन में गुजर रहे थे हज करने के लिए बैरम खा, तभी याद रखिएगा मुबारक खा देखिए ये यही मारता किसको, हत्या करता है किसको, बैरम खा को। तो बैरम खां की हत्या कौन करता है, मुबारक खां। याद रखिए ये अफगान मुस्लिम था, कहां का मुस्लिम था, अफगान मुस्लिम। अब हत्या क्यों करेगा कोई, क्योंकि मछीवाड़ा के जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा मेरे लाडलो, मछीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने मुबारक इनके पिता की हत्या कर दिया था। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना कमेंट बताएं। जय हिंद साथियों, थैंक यू। इसके बाद है ना इसी का मुगल में अकबर का पार्ट 3 वीडियो आने वाला है, ठीक है, आप इंतजार करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।